वीजे वाली जो जीटी किट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जिसमें आपको रेड इंसर्ट के साथ जीटी की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। तो फॉगलैम का जो इंस्टॉलेशन है वो भी यहाँ पे किया गया है, जो कि अपनी रहने वाली है मिंडा की। व्हील कवर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं फुल ब्लैक फिनिश के साथ। रियर रिफ्लेक्टर जो है वो भी इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि अपना मैट्रिक्स में आता है। और जीटी किट का रियर पार्ट जो है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पे पंच की प्रॉपर बैजिंग जो है इल्यूमिनेटेड देखने को मिल जाती है। प्रॉपर बटन में प्रेस करूंगा, मिरर अपने फोल्ड हो जाएंगे। अगेन मैं बटन प्रेस करूंगा, मिरर अपने अनफोल्ड हो जाते हैं। की जो है वो बनाई गई है सेंटर लॉकिंग के साथ, जो है अपनी रहने वाली है आरडी ब्रांड की, जिसमें आपको तीन बटन मिल जाएंगे, एक लॉक का है, एक अनलॉक का। टच का रिस्पांस कैसा कुछ आने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी 9 सीरीज का स्टीरियो जो है वो लगाया गया है, जो कि अपना काफी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाता है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड वाली अपनी ब्रांच पे, और आज आप चेक करेंगे टाटा पंच हमारे पास खड़ी है। बेस रिटर्न प्योर रहने वाली है, गाड़ी आई है गुड़गांव से, और गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन काम जो है वो किया जा रहा है। सबसे पहले बताते हैं क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी हैं। जैसे कि आप देखोगे म्यूजिक रिलेटेड अपडेट जो है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। म्यूजिक सिस्टम जो है वो अपना लग चुका है। स्पीकर जो है वो पाइनियर के इंस्टॉल किए जा चुके हैं। फ्रंट डोर के अंदर कॉम्बिनेट स्पीकर, रियर डोर के अंदर कोइल स्पीकर का सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप चेक करोगे सेंटर लॉकिंग का काम जो है वो चल रहा है। अपने जो मिरर्स हैं वो अपने अपडेट किए जाएंगे। ऑटो फोल्ड मिरर का जो काम है वो भी रहने वाला है, बटन से जो है प्रॉपरली ऑपरेट होने वाले हैं। बाकी आप देखोगे डोर वाइजर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। लोअर गार्निश 6 पीस वाली इंस्टॉल हो चुकी है। ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो भी कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। पंच की बैजिंग जो है वो भी इंस्टॉल करी जा चुकी है। फॉग लाइट लग चुकी है। बाकी आप देखो कि ग्लॉसी किट का जो हेडलाइट वाला पार्ट है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। जीटी किट का भी लगना बाकी है। वीजे वाली अपनी जो जीटी किट है उसका काम जो है वो इस वाली कार में किया जाएगा, जिसमें आपको फ्रंट पोर्शन मिल जाएगा, साइड में क्लैडिंग वाला पार्ट मिल जाएगा, और रियर में चलेंगे तो वहाँ पर डिफ्यूजर जो है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो जीटी किट के लगने से पहले का लुक किस तरीके का आ रहा है वो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए। लगने के बाद कैसा होगा वो आपको चेकआउट करवा देंगे। बाकी आप यहाँ पर चेक करोगे रियर व्यू कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है, बट इसकी जो फिटमेंट जो है वो भी करना बाकी है। बेस ट्यूब जो है वो लग चुकी है। बाकी आप चेक करेंगे अंदर से, तो अंदर से अपने सीट कवर का जो सारा कुछ काम है वो यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। फ्लोर के ऊपर आप देखेंगे फ्लोरिंग जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। डाई वाली फ्लोरिंग जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाली है। तो इस तरीके की काफ़ी कुछ अपडेट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर काम जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर हम मेनली बात करें क्या कुछ अपडेट रह गया है, सबसे पहले जीटी का काम जो है वो बचा हुआ है, और दूसरा आप देखोगे तो अपना मिरर जो है उसका अपडेट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अपने मिरर जो है ऑटो फोल्ड वाले किए जा रहे हैं। तो एक बार ये काम कंप्लीट होता है फिर आप लोगों को चेक करवाते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अपनी पंच का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताते हैं डिटेल में इस वाली कार के अंदर क्या कुछ एक्सेसरीज जो है वो इंस्टॉल करी गई है। सबसे पहले आप देखोगे तो जीटी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वीजे वाली जो जीटी किट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जिसमें आपको रेड इंसर्ट के साथ जीटी की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। अभी अपनी ऑर्कस व्हीकल की गाड़ी है, तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो अपना यहाँ पे जीटी किट का पोर्शन है फ्रंट वाला वो आप चेकआउट कर सकते हो। बिफोर और आफ्टर लुक के अंदर काफी डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जीटी किट लगने के बाद काफी अच्छा रोबस्ट फील जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जीटी किट के अंदर आपको फ्रंट पोर्शन मिल जाएगा, साइड वाले पार्ट मिल जाएंगे, और रियर वाला पार्ट जो है वो भी मिल जाता है, जो कि हम बाद में कवर करेंगे। बात करें अगर हम लाइटिंग सेटअप के अंदर क्या अपडेट किया गया है, तो पार्किंग बल्ब जो है वो चेंज किया गया है और इसमें लगा दी गई है एलईडी, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप देखोगे फॉग लाइट मॉडल में नहीं आती है, तो फॉग लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो भी यहाँ पे किया गया है, जो कि अपनी रहने वाली है मिंडा की, और ये प्रॉपर मिंडा की रिले वायरिंग के साथ इंस्टॉल हो चुकी है। हेडलाइट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। 10 पीस की किट आती है, 2 पीस आपको इसके हेडलाइट पे ऊपर मिल जाएगा, 1 पीस इस साइड में, और 1 पीस जो है आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप साइड पोर्शन में देखेंगे तो साइड पोर्शन पे अपने आउटसाइड मिरर के ऊपर जो है वो रहने वाला है। डोर हैंडल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, रियर डोर हैंडल यहाँ पर है, और टेल लाइट जो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 10 पीस की किट आती है, कॉस्ट करती है अपनी 2000 रुपीस की। इसके अलावा दोस्तों रूफ पे देखेंगे तो यहाँ पे रूफ रेल जो है वो इंस्टॉल करी गई है, ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। गैलियो ब्रांड में रहने वाली है, काफी अच्छी क्वालिटी के साथ जो है यहाँ पे अपना ये ऑफर करती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपना पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ जो डोर वाइजर्स हैं वो लगा दिए गए हैं। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के डोर वाइजर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। लोअर गार्निश का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया गया है। 3 पीस आपको इस साइड में, 3 पीस आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पर चेक करोगे आईपोपाई डोर एज गार्ड जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, और साइड क्लैडिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ ही रहने वाली है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे जीटी किट में आपको फ्रंट पोर्शन मैंने दिखा दिया है, साइड में क्लैडिंग जो है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अपना ऑटो फोल्ड मिरर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जिसकी बाद जो है इंटरव्यू में चलेंगे फिर आपको चेकआउट करवा देंगे। यहाँ पे आप चेक करोगे अपने जो व्हील कवर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं फुल ब्लैक फिनिश के साथ, और यहाँ पे जो है जिस तरीके से आपको एडवेंचर में कंपनी ऑफर करती है सेम वही व्हील कवर जो है इंस्टॉल किए हुए हैं। प्रॉपर यहाँ पे टाटा का लोगो जो है वो देखने को आपको मिल जाता है। तो ये बात हो गई अपनी कंप्लीट साइड वाले पोर्शन से। अब मूव करते हैं कार के रियर पार्ट पे और आपको बताते हैं कि रियर से क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे रियर का लुक कंप्लीट चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ रहेगा।
फिर इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करोगे तो अपना रियर स्पॉइलर जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि लाइट वाला रहने वाला है। इसके अंदर आपको जो है लाइट मिल जाती है, जैसे ब्रेक प्रेस करोगे लाइट जो है ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपना रियर रिफ्लेक्टर जो है वो भी इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि अपना मैट्रिक्स में आता है। इंडिकेटर, पार्किंग, ब्रेक तीनों फीचर जो है वो आपको मिल जाते हैं। सेंटर में कैमरे की प्लेसमेंट जो है वो रहने वाली है, और जीटी किट का रियर पार्ट जो है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ये अपनी वीजे वाली जीटी किट है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे पंच की प्रॉपर बैजिंग जो है इल्यूमिनेटेड देखने को मिल जाती है, और ये जैसे ही आप पार्किंग ऑन करोगे उसके साथ ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा इसमें आप चेक करोगे कंप्लीट पोर्शन जो है वो आपको बाइक लगे इंसर्ट के साथ जो है देखने को मिल जाएगा। अब मूव करते हैं कार के इंटीरियर में, आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ चीजें जो है इस वाले कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक लुक जो है वो चेकआउट कर सकते हो, किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। अपडेट की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करोगे पटल लाइट का सेटअप जो है वो इंस्टॉल किया गया है। ये अपने चार पीसेस का सेट आता है, जिसमें आपको आगे के दो दरवाजों में लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। एक पीस जो है वो अपना ग्लोव बॉक्स के अंदर जो है वो रहने वाला है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और एक पीस जो है अपना बूट के अंदर रहेगा। चार पीस का जो सेट है वो आता है। इसके अलावा आप चेक करोगे स्पीकर जो है वो अपने पाइनियर के इंस्टॉल किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। फ्रंट डोर के अंदर कॉम्पोनेंट रहेंगे, रियर डोर के अंदर कोई स्पीकर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। अब यहाँ पे आप चेक करोगे एक जनरल अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। कस्टमर की रिक्वायरमेंट पावर विंडोज की नहीं थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी आउटसाइड रियर व्यू मिरर की, जो कि यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर बटन में प्रेस करूंगा मिरर अपने फोल्ड हो जाएंगे, अगेन मैं बटन प्रेस करूंगा मिरर अपने अनफोल्ड हो जाते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर आपको जो एडजस्टमेंट का फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिरर जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल फीचर के साथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एक और फीचर मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं गाड़ी को लॉक करूँगा, मिरर अपने जो है वो फोल्ड हो जाएंगे। गाड़ी को मैं अनलॉक करूंगा, मिरर जो है वो अपने अनफोल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्लोर पे नजर डालते हैं, तो यहाँ पे अपनी करी गई है फ्लोरिंग, जो कि अपनी क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ रहेगी, डाई वाले फ्लोरिंग। और उसके ऊपर आप यहाँ पे चेक करोगे तो SIPL प्रो वाले जो अपने मैट्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, जो कि अपने एक प्रीमियम क्वालिटी के मैट जो है वो लगाए हुए हैं। वो भैया कंपनी से मैट लेकर के आए हुए थे, तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो इंस्टॉल दोबारा से करवा दिया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्लोरिंग जो है क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ रहने वाली है, उसके ऊपर अपने मैट जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। बाकी आप देखोगे स्टेयरिंग व्हील के ऊपर डुअल टोन रैपिंग का काम जो है वो किया गया है, जो कि अपना मून जैन के साथ रहने वाला है। आप चाहो तो कंट्रोल भी लगवा सकते हो, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उन्होंने नहीं लगवाया। यहाँ पे जो है वो आप डुअल टोन का स्टेयरिंग रैप जो है कंप्लीट चेकआउट कर सकते हो। अगर हम बात करें चाबी की, तो चाबी के अंदर अपडेट जो है वो किया गया है। अपनी फ्लिप की जो है वो बनाई गई है, सेंटर लॉकिंग के साथ जो है अपनी रहने वाली है RD ब्रांड की, जिसमें आपको तीन बटन मिल जाएंगे, एक लॉक का है, एक अनलॉक का। सेंटर वाले बटन से आप गाड़ी को म्यूट लॉक और अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। 3 साल की डोरस्टेप वारंटी के साथ जो कंप्लीट सेटअप है वो अपना रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे बल्ब जो है वो भी चेंज किया जा चुका है। हैलोजन बल्ब आता है इस वाली कार के अंदर, जिसको रिप्लेस करके LED बल्ब जो है वो लगा दिया गया है। बात करें अगर हम म्यूजिक सिस्टम की, तो 9 इंच की स्क्रीन के साथ सिस्टम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक की फ्रेम के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। टच का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। G9 सीरीज का स्टीरियो जो है वो लगाया गया है, जो कि अपना काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाता है। अब इसमें क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले आप देखोगे क्रोम ब्राउजर जो है वो आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर दिया हुआ है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे YouTube आपको मिल जाता है, प्राइम वीडियो है, DSP डिजिटल साउंड प्रोसेसर जो है वो मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स है, Zlink के थ्रू आप इसके साथ एंड्रॉइड एप्पल कापले को जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं चेकआउट करवा देता हूँ, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, प्रॉपर जो है वो आपको यहाँ पे मार्केट देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आप देखोगे तो अपना रियर व्यू कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है। कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आने वाला है अगर हम उसकी बात करें, तो यहाँ पे कैमरे का जो आउटपुट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। पीछे जो है किस तरीके का लुक आ रहा है वो आप देख लीजिए, प्रॉपर आपको जो विजिबिलिटी है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। AHD विजन कैमरा जो है वो इंस्टॉल यहाँ पे किया हुआ है। बाकी दोस्तों बात करें अगर हम सीट कवर्स की, तो फुल बकेट अपने सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर रहने वाला है, आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके के फिट फिनिश के साथ रहेगा। डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ रहेगा, जिस तरीके का गाड़ी का इंटीरियर है ब्लैक और ऑफ व्हाइट, सेम वही कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आप नोट करोगे परफोरेटेड फिनिश जो है वो यहाँ पर दी गई है, और किस तरीके का फिट फिनिश आ रहा है रियर में वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी का सारा काम जो है वो रहने वाला है ये। इसके अलावा एक USB पोर्ट जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है। ये वाला जो पोर्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ इसको USB को कनेक्ट करने के लिए होता है, चार्जिंग के लिए नहीं होता। चार्जिंग के लिए आपको चार्जर जो है परचेज करना होता है, जिसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों कार की सभी चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मिलते हैं बात कार के ओनर से और जानते सर का कैसा फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? राजस्थान नीमरणा। राजस्थान के नीमरणा से। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरे किसी रिश्तेदार ने काम करवाया था यहीं से। ठीक है, मतलब आप एक एज एन रेफरेंस जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के लिए, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई हैं। बात की जाए फिट फिनिश की, गाड़ी काम ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल। आपको काम कैसा लगा? बढ़िया, बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन जो भी किया गया, रेफर किया गया, उस तरीके से कहा जाए कि आप मतलब उस चीज पे खड़े उतर गए यहाँ पे। सारे काम को अगर आपको नंबर देना हो 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10। कंप्लीट नंबर जो है अपने रहने वाले हैं। और पेमेंट वगैरह की बात की जाए, कितनी कुछ पेमेंट हो गई सर अपनी? पूरा पेमेंट हो गया।
फिर भी एक नंबर्स में ताकि हमारे व्यूअर्स को आइडिया हो जाए। 70,000 रुपीज़। तो 70,000 रुपीज़ ये आपको वर्थ लगे हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ थी वो आपको जायज़ पैसे के साथ तो काम जो है वो हो चुका है, तो काम के अंदर कहीं कुछ आपने कमी वगैरह फील करी? नहीं, कोई कमी नहीं। स्टाफ बिहेवियर वगैरह या फिर जो सब भी बढ़िया, सब बढ़िया, सब कुछ आपको यहाँ बढ़िया मिल जाता है। जिस तरीके से आपको किसी ने रिकमेंड किया, कल को किसी को आपको रिकमेंड करना हो तो रिकमेंडेशन जो है मिलने वाला है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है और आप यहाँ तक आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।